हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। क्रोशिट चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे लड्डू गोपाल जी की ड्रेस का ये डिज़ाइन। ये मैंने एक और दो नंबर के लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाई है। फ्रेंड्स, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने चोली तैयार कर ली है। घेरे का फर्स्ट राउंड शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम 1 2 3 चेन ले लेंगे और देखिए उसी जगह पर हम एक डबल क्रोशिया करेंगे। 3 की चेन को मिला के हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब उससे आगे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे। फिर उससे आगे वाले डबल क्रोशिया पे हम 1 और ये 2 डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट राउंड में हम इसी तरह से हर एक चेन के ऊपर 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, घेरे का फर्स्ट राउंड पूरा हो गया। इसे थर्ड चेन में ज्वाइन कर लेंगे। देखिए, सभी के ऊपर हमने 2-2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब हम कलर चेंज करेंगे। देखिए, धागा ज्वाइन करेंगे। आप चाहे तो हर बार धागे को कट करके दोबारा अटैच कर सकते हो। देखिए, ये हम 3 चेन बनाएंगे। ये जो 3 चेन है, इसको हम फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। ठीक है, इससे आगे हम नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 2 हो गए। देखिए, फिर हम उससे आगे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया करेंगे और फिर उससे आगे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बना देंगे। तो इसी तरह से हम हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए सभी पे हम इसे बना देंगे और राउंड पूरा करेंगे। देखिए, ये घेरे का सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम कलर चेंज करेंगे। देखिए, येलो कलर शुरू करेंगे और अभी हम ये जो येलो कलर से 3 चेन बनाएंगे, इसको फर्स्ट डबल क्रोशिया मानेंगे और फिर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फ्रेंड्स, इस कलर को अभी हम कट कर देते हैं। देखिए, ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। बीच में 2 चेन लेंगे और फिर उसी जगह पर डबल क्रोशिया करेंगे, 1 और ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। ये देखिए, अब हम 1 छोड़ के डबल क्रोशिया उससे आगे वाले में बनाएंगे। देखिए, इस तरह से पीछे से क्रोशिया हुक निकालते हुए हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। देखिए, ये वाला स्टिच हमने फ्रंट पोस्ट बनाया, 1 छोड़ के उससे आगे वाले में बनाएंगे। 1 2 डबल क्रोशिया, बीच में चेन लेंगे, फिर से 1 और ये 2 डबल क्रोशिया बना देंगे। देखिए, अब हम 1 छोड़ेंगे उससे आगे वाले में, इस तरह से पीछे से क्रोशिया हुक निकालते हुए हम 1 डबल क्रोशिया करेंगे, फिर 1 छोड़ के उससे आगे वाले में 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, बीच में 2 चेन, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से हम कलियां बनाएंगे, बीच बीच में 1 फ्रंट पोस्ट बनाते जाएंगे। इसी तरह से हम घेरे का ये वाला राउंड पूरा कर लेंगे। देखिए, घेरे का थर्ड राउंड इसी तरह से बनाएंगे।
देखिए फ्रेंड्स, आप चाहें तो ये जो हमने 2 राउंड बनाए हैं इसको घेरे को बड़ा करने के लिए 3 या 4 भी बना सकते हो। देखो ये कलियों वाला जो राउंड है येलो कलर का हमने पूरा कर लिया। अब यहाँ पर दोनों कलियों के बीच में एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और फिर जो पहली कली है उसकी थर्ड चेन में हम राउंड को ज्वाइन कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, स्लिप स्टिच बनाते हुए ये जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है इसको छोड़ देंगे, स्लिप स्टिच बना के उससे आगे वाले डबल क्रोशिया पे हम आएंगे और 3 चेन बनाएंगे। ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया, फिर कली के सेंटर में डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 बार, 2 चेन लेंगे और फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बना देंगे। जैसे इधर एक छोड़ा था ऐसे उधर का भी छोड़ देंगे साइड का और एक पे बना देंगे। फिर हम फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे, डबल क्रोशिया जो बनाएंगे एक छोड़ेंगे उससे आगे वाले पे एक डबल क्रोशिया, फिर कली के सेंटर में 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर दोबारा से उसी जगह पे 2 डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर हम उसके पास वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया करेंगे, फ्रंट पोस्ट के ऊपर हम फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे एक छोड़ के उससे आगे वाले के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये येलो कलर का सेकंड राउंड इसी तरह से पूरा कर लेंगे। देखिए सेकंड राउंड पूरा कर लिया हमने। अब हम इसको थर्ड चेन में ज्वाइन कर देंगे। देखिए स्लिप स्टिच बना के हम उससे आगे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर आ जाएंगे, 1, 2, 3 चेन बनाएंगे, ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया, फिर उससे आगे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे, फिर हम बीच में 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उससे आगे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया, फिर उससे आगे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फ्रंट पोस्ट के ऊपर हम फ्रंट पोस्ट का स्टिच ही बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट पैटर्न के ऊपर बनाएंगे, एक छोड़ देंगे साइड का, हमें दोनों साइड के एक एक छोड़ने हैं और बीच वाले जो हैं उनके ऊपर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए 2 पे बना दिया हमने, साइड का हमने एक छोड़ दिया है। अब कली के बीच में हम कली बना लेंगे, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। हम पैटर्न के इस साइड भी 2 के ऊपर हम डबल क्रोशिया बना लेंगे, ये देखिए दूसरे पे भी बना लेंगे और साइड का एक छोड़ देंगे, फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। तो इसी तरह से हम ये राउंड सबके ऊपर बनाकर पूरा कर लेंगे। देखिए देखिए फ्रेंड्स, राउंड पूरा कर लिया। अब हमने ऑफ वाइट कलर शुरू किया है। देखिए इसको हम हर एक चेन के ऊपर एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे, कली के सेंटर में भी 1 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर ऑफ वाइट कलर से हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इससे नेक्स्ट पे बना लेंगे हम। ये जो फ्रंट पोस्ट है यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच बनाना है। देखिए अब उसे नेक्स्ट के ऊपर हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, फिर उससे नेक्स्ट के ऊपर हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, फिर हम आगे वाले पे भी हाफ डबल क्रोशिया करेंगे,
कली के बीच में भी एक बार ही हाफ डबल क्रोशिया किया है हमने। फिर हम इसी तरह से दूसरी साइड के पैटर्न के ऊपर भी एक एक हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। फ्रंट पोस्ट के ऊपर हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। देखिए इस तरह से ये बनाकर राउंड को पूरा कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, क्रीम कलर का राउंड पूरा हो गया, हमने सभी पे बना लिया। अब हम ये फ्रंट पोस्ट के ऊपर स्लिप स्टिच बनाएंगे और जहाँ पर शुरू किया था वहाँ पर इस राउंड को ज्वाइन कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हम येलो कलर शुरू करेंगे और ये जो ऑफ वाइट कलर है इसको कट कर देंगे। देखिए यहाँ पर हम एक दो तीन चेन ले लेंगे। ये जो तीन की चेन है ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया। उसके अलावा हम एक दो तीन चेन और ले लेंगे। इन तीन चेन को हम नीचे से काउंट करेंगे, 1 2 3, थर्ड चेन में ज्वाइन कर देंगे। इसको हम पर्ल स्टिच की तरह हम बनाएंगे। बीच में एक चेन लेंगे और उसी जगह पर हम एक डबल क्रोशिया करेंगे और आगे एक दो तीन चेन लेंगे। इन तीन चेन को डबल क्रोशिया के ऊपर ज्वाइन कर देंगे। अब हम बीच में एक चेन लेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन चेन लेंगे। तीन चेन को हम डबल क्रोशिया पे ज्वाइन कर देंगे। अब हम बीच में एक चेन लेंगे और फिर से उसी जगह पर एक डबल क्रोशिया करेंगे, एक दो तीन चेन लेंगे। देखिए इस तरह से हमने डबल क्रोशिया के ऊपर ज्वाइन कर दिया, एक चेन ली और फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन चेन लेंगे, उनको ज्वाइन कर देंगे। देखिए 1 चेन लेकर हम ये जो कलियों के सेंटर में एक हाफ डबल क्रोशिया है उसके ऊपर हमें इसको ज्वाइन कर देना है। अब देखिए ये जो फ्रंट पोस्ट की लाइन है इसके ऊपर जो स्लिप स्टिच है वहाँ पर हम एक नहीं पहले हम एक चेन लेंगे, जैसे इस साइड ली थी ऐसे इधर भी 1 चेन ले लेंगे। और ये हम देखिए एक लंबा स्टिच लेके डबल क्रोशिया बना देंगे। 3 चेन लेंगे और उसको डबल क्रोशिया के ऊपर ज्वाइन कर देंगे। 1 चेन लेंगे, फिर हम एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे, एक दो तीन चेन लेंगे, उसको हम डबल क्रोशिया पे ज्वाइन कर देंगे। एक चेन लेकर फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन लेंगे, उसे डबल क्रोशिया के ऊपर ज्वाइन कर देंगे। फिर से हम बीच में एक चेन लेते हुए डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन को ज्वाइन कर देंगे डबल क्रोशिया के ऊपर, 1 चेन लेंगे। देखिए 4 हो गई है, एक और बनाएंगे, ये 5 हो गए। फ्रेंड्स अगर आप बड़ी ड्रेस बना रहे हो बड़े साइज़ की तो आप ये जो हमने फ्लावर का पैटर्न बनाया है 5 डबल क्रोशे लिए हैं, आप 6 या 7 भी ले सकते हो। ये जो हमने कलियां बनाई हैं इन कलियों को आप, ये हमने 3 राउंड दिए हैं येलो कलर के, आप इसको ज़्यादा भी बड़ा करने के लिए 4 5 राउंड दे सकते हो। देखिए ये राउंड इसी तरह से पूरा कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, येलो कलर का ये जो हाफ फ्लावर बना रहे थे हम, ये राउंड पूरा हो गया। अब हम इसको देखिए ये कली के सेंटर में ज्वाइन करेंगे। दोनों साइड के फ्लावर को ज्वाइन करना है हमें। ये देखिए ये जो कली के सेंटर में हाफ डबल क्रोशे है वहाँ पे हमने इधर का फ्लावर ज्वाइन किया। और ये देखिए पहले हम बीच में एक चेन लेते हुए
चेन लेनी है हमें, ये देखिए चेन लेकर आगे से इसको ज्वाइन करेंगे फ्लावर के फ्रंट से। देखिए ये राउंड पूरा हो गया। अब हम नॉट लगा के वूल कट कर देंगे, धागे को पीछे लाके एडजस्ट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। फ्रेंड्स आपको हमारा ये डिज़ाइन कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आप इसी तरह से बड़े साइज़ की भी बना सकते हो, यहाँ पे आप दो राउंड और बढ़ा सकते हो, और ये जो बनाई है कलियाँ यहाँ पे भी आप दो दो राउंड, तीन दो तीन चार जितने भी हो बढ़ा सकते हो। इन्हें भी आप 5 की जगह 6 या 7 बना के इस ड्रेस को बड़े साइज़ में भी बना सकते हो, तो ये और बड़े साइज़ में भी अच्छी दिखेगी। तो फ्रेंड्स आपको हमारा ट्यूटोरियल कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ, और तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।